नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। उन्नाव में रिश्ते का हुआ कत्ल, पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या। खबर उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से है, जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह में देर रात पति का पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी को खून से लथपथ पाया। घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। वही पुलिस ने इस घटना पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। वही घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची है। फिलहाल पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही घटना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने हत्या की तहरीर मिलने के बाद ही उचित कार्यवाही करने की बात कही है। आइए जानते हैं शशि शेखर सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कैमरामैन बबीता के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आज जनपद उन्नाव के ईदगाह मोहल्ले में एक महिला जिसका नाम साइस्ता परवीन है, उसकी हत्या उसके ही पति शिबू द्वारा घरेलू विवाद के चलते कर दी गई है। इस मामले में लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके जो मायके वाले हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। जैसे वो लोग यहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं, उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है उसके अनुसार इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।